हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत सीकर जिले में है। कहां पर है? सीकर जिले में। यहां पर ध्यान देना, दो मंदिर हैं। एक है हर्षनाथ महादेव, हर्षनाथ महादेव का शिव मंदिर है, और इसी पर्वत पर जो दूसरा मंदिर है वो किसका है? हर्षनाथ भैरू जी, हर्षनाथ भैरू जी। और इसी हर्ष पर्वत पर एक समाधि बनी हुई है प्रसिद्ध संत की, और जिस संत की समाधि है, मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहता हूं आप ये बताएं कि हर्ष पर्वत पर ये दो मंदिर हैं और एक प्रसिद्ध संत की समाधि है जो गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य था और अफगानिस्तान का बादशाह था, मुसलमान था, और बाद में वह हिंदू धर्म अपना लेता है और भगवान शिव का भक्त बन जाता है, भगवान शिव की तपस्या करता है हर्षनाथ महादेव पर। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि यहां पर हर्ष पर्वत पर किसकी समाधि है, एक बार ये जरूर बताएं आप। मैंने 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 पिछले जिन बेचों में मैंने पढ़ाया है वो बताई है, यहां पर एक समाधि है जो किसकी है? हांडी भड़ंगनाथ की। हांडी भड़ंगनाथ जी, और इस हांडी भड़ंगनाथ जी को एक नाम से और जानते हैं, वह नाम है बलक बुखारा का बादशाह। बलक बुखारा का बादशाह, बताइए बलक बुखारा का बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? हांडी भड़ंगनाथ को। ये जो अंत में एक शब्द लगा हुआ है नाथ, इसी से स्पष्ट हो गया कि हांडी भड़ंगनाथ जी जिस संप्रदाय के थे वो संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय है, यानी कि ये नाथ संप्रदाय के थे और किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य। आपने देखो यार, नाम भी बड़ा अटपटा, हांडी भड़ंगनाथ, दूसरा नाम है इनका बलक बुखारा का बादशाह। रियल में बलक बुखारा एक जगह है अफगानिस्तान में, ये बलक बुखारा का बादशाह था, बलक बुखारा का राजा था, बलक बुखारा अफगानिस्तान में वहां का बादशाह था। उस बादशाह मोहम्मद शाह नाम था उसका, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था। एक दिन दोपहर के समय दरबार के काम से थका हुआ था, उसने अपनी एक दासी को कहा कि जा मेरा पलंग लगा। दासी महल में जाकर के केवड़ा, मोगरा, चमेली, चंपा, गुलाब के फूलों का सेज पलंग बिछाती है बादशाह के लिए, और उस पलंग को देखा, इतना सुंदर, इतना खुशबूदार पलंग। दासी ने सोचा कि पता नहीं बादशाह को इस पलंग पर सोकर कितना आनंद आता होगा। बादशाह आने में भी 5-4 मिनट बाकी, 1 मिनट में सो के देखती उस पलंग पे कितना मजा आता है। इतना सोच करके वो पलंग पर सोई, इतना नरम, इतना सुगंधित, इतना मस्त वो पलंग था कि सोते ही दासी को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद में जब बादशाह वहां पर पहुंचा, देखा कि बादशाह के पलंग पर दासी सो रही है। बादशाह उसका हाथ पकड़ के घसीटता हुआ दरबार में ले गया, जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को आदेश दिया कि इस नापाक दासी को 100 कोड़ों की सजा दी जाए, इसको निर्वस्त्र करो और 100 कोड़ों से पीटो। जब कोड़े पड़ने लगे, दासी चिल्लाने लगी, चिल्लाने लगी, 50 कोड़े पड़े, तब तक दासी चिल्लाती रही, चिल्लाती रही, चिल्लाती रही, और जैसे 51वां कोड़ा पड़ा और दासी जोर से हंसने लगी, 52वां पड़ा और जोर से, 53वां कोड़ा पड़ा और जोर से, 51 से लेकर 100 कोड़ों तक वो जोर जोर से हंसती रही। बादशाह और पूरे दरबारी और जल्लाद आश्चर्य में आ गए कि यार इसके कोड़े पड़ रहे हैं, पहले 50 कोड़े पड़े तब तक रो रही थी, अब हंस रही है। उसे पूछा गया कि हे दासी, तू 50 कोड़ों तक रोई, बाद में हंसी क्यों? तो दासी ने एक ऐसा मार्मिक जवाब दिया साहब, और उसी ने उस मोहम्मद शाह का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने कहा कि हे बादशाह, मुझे केवल 2 मिनट सोने की सजा, 100 कोड़े मिले हैं, तू तो पूरी जिंदगी, पूरी रातें इसी पलंग पर सोता है, मैं तो तुझे सजा नहीं दे सकती, लेकिन जब वो खुदा तुझे सजा देगा, इस पलंग पर सोने की 100 कोड़े सजा हो सकती है, तो इस पलंग पर सोने की हे बादशाह, खुदा ना जाने तुझे क्या सजा देगा। और इतना सुनते ही बादशाह का हृदय परिवर्तन, वहीं से सन्यास लेकर उस पलंग पर सोने का जो पाप था उससे मुक्ति के लिए वो निकल पड़ता है। और लंबी घटना है, मैं कहानी क्या बताऊं, मैं कहानी बताने लग जाऊं तो घंटा भर इसमें लगेगा। और आखिर में गोरखनाथ जी से मिलता है, गोरखनाथ जी कैसे गले में हांडी लटकाते हैं, कभी ऑफलाइन क्लास में बैठेंगे तो पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको। और फिर उस प्रकार वो उनका शिष्य बनता है, और इन्हीं के प्रसिद्ध शिष्य होते हैं सिद्ध अलूनाथ जी, जिन्हें बाप जी के नाम से जाना जाता है।
सिद्ध अलूनाथ जी बाप जी महाराज की समाधि नागौर में कुचामण के पास जसराणा गांव है वहां पर है। और सिद्ध अलूनाथ जी के जो गुरु थे वो हांडी बड़ंगनाथ जी थे, जिनको बलक बुखारा का बादशाह भी कहते हैं। और ये बलक बुखारा का बादशाह या हांडी बड़ंगनाथ जी थे जो गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इनकी समाधि कहां पर है? हर्ष पर्वत पर। अब बात आती है साहब हर्षनाथ महादेव की, आएगा इनके बारे में। जैसे हांडी बड़ंगनाथ जी के बारे में बात की, एक बार आप कमेंट करना रुक जाओ तो मेरा मन करता है बार बार कि यार कोई बच्चा छूट नहीं जाए, नाराज नहीं हो जाए, इसलिए रुक जाओगे तो मैं बढ़ाऊंगा नहीं, बार बार इधर आके आपका नाम लेता रहूंगा। आइएगा बात चलती है अब हर्षनाथ महादेव की, बात करते हैं चौहान वंश की। जब बात होती है चौहान कह दो, चौहानों का जो आदि पुरुष था वासुदेव चौहान या वासुदेव चहमान, जिसने साकंबरी या जो साकंबर है या सांबर है वहां पर चौहानों का साम्राज्य स्थापित किया। उनकी जो कुलदेवी है वो जो है साकंबरी माता है। और याद रखना चौहानों के किनके, चौहान राजपूत है ना, उन चौहानों के आराध्य देव, चौहान वंश के राजपूतों के आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ महादेव। इनकी बात दोबारा लिख लेंगे बाद में अपन और कर लेंगे। चौहानों के आराध्य देव हैं हर्षनाथ महादेव। हर्षनाथ महादेव का मंदिर है हर्षनाथ हर्ष की पहाड़ी पर। और याद रखना इस मंदिर का अगर पूछ लिया जाए कि हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माता है वो निर्माता कौन था, तो इसका जो निर्माता था वो निर्माता था एक भक्त जिसका नाम था भावरक्त। भावरक्त नाम का एक साधु सन्यासी था, उसने निर्माण करवाया था। और ये निर्माण किसके समय करवाया? विग्रहराज पहाड़ी पर। ये हर्षनाथ महादेव का जो मंदिर बना हुआ है ये बना है महामेरु शैली में। कौन सी शैली में बना है साहब? महामेरु शैली में। और मित्रों याद रखना ये इतना अद्भुत मंदिर था, इतना अद्भुत मंदिर। अब इस हर्षनाथ मंदिर में से अगर कुछ शेष बचा है, केवल एक चीज शेष है, वो क्या है? नंदी की प्रतिमा। नंदी की प्रतिमा शेष बची है, बाकी सारे मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया। जब जीण माता की बात आई तो मैंने बताया था जीण माता के मंदिर को तोड़ने हर्ष आया तो मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। उससे पहले वो आया था हर्ष पर्वत पर और उसने हर्षनाथ महादेव के मंदिर को तोड़ा। आप में से यदि कोई सीकर के हर्षनाथ महादेव मंदिर गया है यानी कि हर्ष पहाड़ी पर गया है तो आज जाकर के अगर वो कला और स्थापत्य का प्रेमी है तो साहब हर्ष पर्वत पर जाकर वो रोएगा। अगर वो सनातन संस्कृति का प्रेमी है तो उस पहाड़ी पर जाकर रोएगा उन खंडरों को देखकर, उन प्रस्तर खंडों को देखकर जिसका एक खंबा हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाएं तो वैसा खंबा नहीं मनवा सकते। इतना स्थापत्य का अद्भुत नमूना उस औरंगजेब ने तोड़ के चूर चूर कर दिया, पूरा मंदिर तोड़ दिया गया। उसमें से केवल एक चीज शेष बची है, नंदी भगवान की प्रतिमा, जो भगवान शिव के वाहन है, जो बैल है उनकी प्रतिमा, वो की वो है। अब साहब जब इस मंदिर का जब तोड़ दिया गया, अब ये मंदिर वर्तमान में फिर बना हुआ है और इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? वर्तमान में जो असली मंदिर था खंडित शिवलिंग, उसका आज भी वहीं रखा हुआ, उसके पूरे भग्नावशेष वहीं बिखरे पड़े हैं और वो तोड़ दिया गया जो भावरक्त ने बनवाया था। इसको वर्तमान में एक वहां पर दोबारा हर्षनाथ महादेव का मंदिर बना दिया गया। आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि ये हर्षनाथ महादेव के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया। याद रखना इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था राव राजा देवी सिंह ने। अब ये बताइए राव राजा देवी सिंह कहां के राजा थे जिन्होंने इस हर्षनाथ महादेव के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया? ये राव राजा देवी सिंह थे सीकर के राजा। कहां के राजा थे? सीकर के राजा राव राजा देवी सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। पहले विग्रहराज प्रथम के समय भावरक्त ने इसका निर्माण करवाया था जिसे तोड़ दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। पूरा मंदिर खंडित है, टूट गया है, शिवलिंग भी वो खंडित ही है, वहां पर उसकी पूजा नहीं होती। पुनः दूसरा शिवलिंग और दूसरा मंदिर जो बनाया वो सीकर के राव राजा देवी सिंह ने बनाया। किसने बनाया? राव राजा देवी सिंह ने, जो आज भी हर्ष पर्वत पर है। और यहीं पर जीण माता के छोटे भाई हर्षनाथ
भैरू जी का मंदिर भी है जिसका जीण माता के मंदिर ने जो निर्माण करवाया था वही उसने हर्षनाथ महादेव हर्षनाथ भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया और वो था हट्टड़ चौहान। कौन था? हट्टड़ चौहान। हट्टड़ चौहान ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया विग्रहराज प्रथम के समय भावरक्त नाम के। अच्छा एक बात और चलती है यहां पर, अगर बात आ जाए, अपन ने पहले भी बात करी थी हिंदू धर्म में जो भक्त होते हैं तीन प्रकार के होते हैं शिव शाक्त वैष्णव। अगर पूछ ली जाए सीकर के हर्ष पर्वत पर स्थित हर्षनाथ महादेव मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? हर्षनाथ महादेव मंदिर का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है? तो कौन सा संप्रदाय बताओगे? वो संप्रदाय जो एकलिंगनाथ महादेव मंदिर जिसकी प्रधान पीठ है कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ महादेव का मंदिर है और वो जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है उस संप्रदाय का नाम है लकुलीस। कौन सा संप्रदाय? लकुलीस भी कहते हैं उसे और पाशुपत भी कहते हैं। लकुलीस या पाशुपत संप्रदाय के राजस्थान में तीन मंदिर हैं जिनमें प्रधान मंदिर है प्रधान पीठ है वो है एकलिंग जी। एकलिंग जी मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में है, दूसरा मंदिर है हर्षनाथ महादेव का मंदिर जो सीकर की हर्ष पहाड़ी पर है और इसका तीसरा मंदिर और है वो कहां पर है? सुंदा पर्वत पर। सुंदा पर्वत कहां पर है? सिरोही। सुंदा पर्वत जालोर। ये सारे के सारे तीनों मंदिर जिस संप्रदाय से संबंधित है वो कौन सा है? लकुलीस या पाशुपत संप्रदाय। लेकिन लकुलीस या पाशुपत संप्रदाय की यदि प्रधान पीठ पूछी जाए तो अपने को बताना एकलिंग जी महादेव का मंदिर जो कहां पर है? कैलाशपुरी गांव जिला उदयपुर, जिस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने कराया था और आज भी मेवाड़ के राजा जो होते हैं अपने आप को मेवाड़ का शासक नहीं मानते, मेवाड़ का राजा नहीं मानते, एकलिंग जी को ही मेवाड़ का राजा मानते हैं और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ये बात रही जीण माता और जीण माता के इर्द गिर्द बिखरे हुए इतिहास की। और मित्रों आइए आगे और पढ़ते हैं, आप कमेंट कर दीजिए आप कौन सी देवी पढ़ना चाहते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली देवी पढ़ाऊंगा, जो भी देवी आपकी इच्छा हो कि सर ये हमारी कुल देवी इनके बारे में पढ़ाएं। पर कमेंट आ ही नहीं रही, नीचे दो लाइनें सी आ रही हैं, कोई बात नहीं आइए आगे पढ़ते हैं।